एक बच्चे ने अपने टीचर से कलेक्टर का काफिला देखकर पूछा कि मास्टर जी ये कौन हैं? तो मास्टर ने जवाब दिया कि बेटा ये कलेक्टर साहब हैं। ये जिले के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, जैसे किसी राज्य का कोई राजा। और भैया यहाँ तक पहुँचने के लिए दिन रात एक करके मेहनत करनी पड़ती है। जैसे ही ये लाइन इस बच्चे ने सुनी, उसने तय कर लिया कि उसे भी कुछ वैसा ही करना है। और वही बच्चा 22 साल का होते होते देश की सबसे कठिन परीक्षा को पास करके आईपीएस अफसर बन गया। या बात हो रही है आईपीएस अफसर सफीन हसन की। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो पहले ही प्रयास में और बेहद कम उम्र में ये उपलब्धि हासिल कर लेते हैं। इन्हीं होनहारों में से एक हैं जो देश के सबसे कम उम्र के आईपीएस बनने वालों में से हैं, गुजरात के रहने वाले 22 साल के सफीन हसन। यूपीएससी की परीक्षा को 517वीं रैंक के साथ पास की थी। वो साल था 2017 का, जिसके बाद से ही उनकी आईपीएस के लिए ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। लेकिन बात कर लेते हैं आज की कहानी में उनसे जुड़े दिलचस्प किस्से की। दरअसल सरकारी स्कूल में पढ़ाई के दौरान कलेक्टर आए तो सब उन्हें सम्मान दे रहे थे। ये देखकर सफीन हसन को आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने मास्टर जी से कलेक्टर के बारे में पूछा तो टीचर ने बताया कि कलेक्टर किसी जिले का राजा जैसा होता है, अच्छी पढ़ाई करके कलेक्टर बन जाता है। इतनी सी बात 10 साल के बच्चे के दिमाग में बैठ गई। तभी सफीन ने उनके जैसा बड़ा अधिकारी बनने के लिए ठान लिया। अब हसन ने सोच तो लिया था, लेकिन सफर इतना आसान नहीं था। उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी, यहाँ तक कि कई रातें भूखे रहकर गुजारनी भी पड़ी। उनके माता पिता दोनों एक कंपनी में काम करते थे। हसन की पढ़ाई के दौरान कुछ समय के बाद माता पिता की नौकरी भी चली गई। घर चलाने के लिए दोनों ने दिन रात मेहनत की। दिन में मजदूरी करते और रात में घरों के लिए ईंटें ढोते थे। पिता ने घरों में इलेक्ट्रीशियन का काम भी किया। दूसरी तरफ माँ घर घर जाकर रोटी पकाती थी। इतना ही नहीं, हसन अपने माता पिता के साथ रात में ठेले पर उबले अंडे और चाय भी बेचते थे। सूरत के रहने वाले हसन की प्राइमरी पढ़ाई सरकारी स्कूल से गुजराती मीडियम से हुई। हसन ने 10वीं में 92% नंबर हासिल किए और 11वीं से अंग्रेजी सीखना शुरू किया। आगे की पढ़ाई साइंस स्ट्रीम से करनी चाहिए। उसी साल जिले में प्राइमरी स्कूल खुल रहा था, लेकिन फीस बहुत ज्यादा थी, पर सफीन की आधी से ज्यादा फीस माफ कर दी गई थी। इसके बाद हसन ने बताया कि जब हम दिल्ली आए थे तो गुजरात के कोलरा परिवार ने 2 साल तक हमारा खर्च उठाया। वही लोग मेरी कोचिंग की फीस भी देते थे। उन दिनों जब यूपीएससी के एग्जाम शुरू हुए थे तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। हालांकि जिस हाथ से मैं लिखता था वो सही सलामत था। एग्जाम देने के बाद मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। माता पिता के संघर्ष को देखकर सफीन समझकर वे हमेशा सोचते कि उनके लिए कुछ करना है, और उन्होंने अपने जज्बे को पूरा करके भी दिखाया। सपने को साकार करने के लिए सफीन ने कड़ी मेहनत के दम पर सिविल सेवा परीक्षा पास की। उन्हें गुजरात कैडर मिला। सफीन आईपीएस की ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद गए। ट्रेनिंग पूरी हुई तो गुजरात में जामनगर जिले से डीएसपी का पदभार मिल गया। आपको हम ये भी बताते चलें कि सफीन हसन की मां नसीम बानो ने बेटे को 10वीं तक पढ़ाने के लिए 14 साल तक लोगों के घरों में काम किया, जबकि पिता मुस्तफा ने इलेक्ट्रीशियन का काम किया। हसन ने 10वीं तक गाँव में ही पढ़ाई की। उनकी खराब आर्थिक स्थिति देख कर पालनपुर के स्कूल ने 11वीं और 12वीं की फीस माफ कर दी, जिसके बाद उन्हें इंजीनियरिंग में दाखिला मिला। उनकी मदद रिश्तेदार और गांव वालों ने फीस भरने में की। इतने संघर्ष के बाद कहीं जाकर सफीन यूपीएससी की तैयारी कर पाए। आज उनके संघर्ष का ही नतीजा है जो आज सफीन हसन आईपीएस अधिकारी हैं। हसन पर हमारी एक कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं, और ऐसी तमाम किस्से कहानियों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ बुक के साथ।